हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज 26 तारीख है और जो मैं शेयर लेके आया हूँ वो आयशर मोटर लिमिटेड। आयशर मोटर लिमिटेड आज 21,806 पे क्लोजिंग दिया है, 285 पॉइंट गिरने के बाद। कोई डरने की बात नहीं, वॉल्यूम 49,000 हुआ है। अब देखिए सेंटीमेंट कितना अच्छा, इसका पॉजिटिव दिखा रहा है, 70% बाइंग दिखा रहा है। और जैसे मैं एक बार आपको पुट का कॉल दिया था, वापस आपने अच्छा खासा उसमें इनकम किया था। अब मैं आपको इसके सामने कॉल बाई करने की सलाह दे रहा हूँ, आप इसको बाई कीजिए। ये आपको अच्छा खासा अभी 25,000 तक तो जाएगा, जरूर दिखाएगा आपको। तो आप देखेंगे आज जो देखेंगे 32,000 से फॉल हुआ है और 20,000 एक का लो बना दिया, तो 32,000 से 20,000 अच्छा खासा गिरावट आप देखने ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो एक बार इसमें अपवर्ड देख सकते हैं हम। तो आज जो देखेंगे 21,705 का लो बनाया और 22,300 का हाई बनाया, आज ही 22,000 इतना आज वेरिएशन था। तो कोई बात नहीं है, अगर हम चार्ट पे देखें इसको, अगर इसको हम डेली के चार्ट पे देखने जाए तो देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे डेली के चार्ट, तो यहाँ पे आप देखेंगे बेरिश रिवर्सल हाई पैटर्न बनाया हुआ है। 1 अक्टूबर को इसने बनाया, क्यों? अब देखिए यहाँ था जो लो था 27,336, उसके बाद ये 23,523, उसके बाद 20,001 लो बनाया और वापस आज आप देखेंगे तो यहाँ पे फिर लो जो बनाया 20,000, अब देखिए यहाँ से चेंज हो गया। एक के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बनाया 8/10/2018 को 20,651, अब ये बनाया 15/10/18 को, देखिए ये लो बनाया 21,351। आज का अगर देखेंगे तो ये 21,625 का लो बनाया। तो अब हर तरीके से देखेंगे तो यहाँ से देखिए 1 20,000 का, उसके बाद 651 का, उसके बाद 351 का, ठीक 21,351 या 20,000 नहीं 21,351, और फिर ये 21,625। तो एक अपवर्ड धीरे 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 अब अपवर्ड की ओर जा चुका है। एक अच्छी बात बताता हूँ, और ये अब मुझे जो लगता है ये अपने 100 डेमा के आसपास जाएगा, जो कि 26,619 है। तो सोचिए अगर ये 26,27,000 जाता है वहाँ पे, तो अगर मैं इसके कॉल को लेकर अभी से अगर कॉल को ले लूँ तो चलिए एक बार कॉल पुट पे देखें। चलिए देखते हैं आयशर मोटर का कॉल देखते हैं, 29 नवंबर 2018 का ये पुट है और ये कॉल साइड है। आज के डेट में टोटल कॉल साइड में 6,175 यूनिट का ओपन इंटरेस्ट है और पुट में 3,200 का। तो बेस्ट बाइंग लेवल कौन सा होगा? तो जैसे मैंने आपको बोला 26,000 तक जा सकता है, तो भाव कहाँ पे अच्छा मिलेगा? तो हम अगर 23,000 के भाव को लें, अगर 23,000 पे लेते हैं जो कि 528 रुपये पर मिल रहा है, और हो सकता है ये और थोड़ी गिरावट दे तो आपको 400 रुपये तक आपको ये मिल जाएगा। तो मैं कहता हूँ आपको 400 से 500 के रेंज में 23,000 का कॉल जो है आपको 29 नवंबर 2018 का लेना है। 29 नवंबर 2018 का 23,000 का कॉल 400 से 500 के रेंज में आपको लेना है। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी 10 से 12 हज़ार की होगी, और आपको यहाँ से जो गेन देखने को मिलेगा 50,000, 1,60,000, 70,000 तक का ये भाव जो है हो सकता है ये 1,700, 1,800 तक पहुँच जाए। तो अगर आपको कुछ भी नहीं होगा, अगर 1,000 पॉइंट का भी गेन यहाँ से होता है तो 25,000, और अगर यहाँ से 2,000 पॉइंट का गेन होता है तो 50,000। एक लॉट की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आप एक लॉट लेते हैं तो, और अगर जितने मल्टीपल लॉट लेते हैं तो उतने आपके चांसेस बढ़ेंगे। अभी आप एक लॉट लीजिए, बहुत सारे स्किट मार्केट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने और भी धीरे धीरे दूसरे भी लॉट पर खेलेंगे, पेपर ट्रेडिंग करेंगे। ये सारे वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ से बनाए जाते हैं, और अगर कोई पोजिशन बनानी हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करने के बाद, सलाह लेने के बाद, उसके बाद ही आप कोई भी ट्रेडिंग बनाए। आप एक बार देखिए, इसको ऑब्जर्व कीजिए, इस चैनल को ऑब्जर्व कीजिए, देखिए कैसा लगता है, फिर उसके बाद इसके कॉल को लिया कीजिए आप। तो 23,000 के कॉल को 400 से 500 के रेंज में आपको बाय करना है और ये नवंबर तक वेट करना है। अभी मैं इसके पहले आपको मारुति का दिया था, वो आप वीडियो देख सकते हैं, वो आपको दिसंबर का कॉल दिया था, और आगे मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और भी शेयरों में SBI, इस सब पे शेयरों पे भी आपको आगे कॉल मैं देते रहूँगा। आपको जो नाम बैंक निफ्टी का जो कॉल खरीदना है वो कौन सा खरीदना है, तो आपको मैं आगे जो वीडियो मेरा रहेगा उस पर निफ्टी और बैंक निफ्टी पर रहेगा। तो अभी इसमें आप आयशर मोटर में ये बाइंग करके चल सकते हो। पॉजिटिव ट्रेंड तो आपको दिखाई दिया, जनरेट हो ही चुका है, तो आप यहाँ पे भी दूसरे सिग्नल को भी देखेंगे। आपको एक बार दूसरे सिग्नल को भी दिखा रहे हैं, ये देखिए अपवर्ड सिग्नल है जो CCI है। अगर मैं आपको दिखाऊँ RSI दिखाऊँ तो RSI भी देखिए सिग्नल अपवर्ड की ओर दिया हुआ है, ऑलरेडी अपवर्ड ट्रेंड है ऑलरेडी। यहाँ से देखिए ना जो बेरिश रिवर्सल पैटर्न बना चुका है ना, वेरी हाई रिलायबिलिटी, 1 अक्टूबर को ही बना दिया है। आपको बेहिचक इसमें बाइंग करनी है, कोई इशू नहीं है, अब सारा चीज़ कंट्रोल में है और मार्केट मुझे जो लगता है निफ्टी अपवर्ड ही लेना चाहिए।
तो निफ्टी अपवर्ड लेगा तो ये सब सारे शेयर हैं जहाँ अपवर्ड की ओर रहेंगे। अगेन मैं आपको बताता हूँ ये इसी वीडियो एजुकेशनल पर्पज से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।